वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा, फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे एसआई एंड सीआई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट को। सो बिफोर दैट अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। स्प्रेड द वर्ड करंट अफेयर्स फंडा अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस। एंड यू नो लर्निंग इज प्राइसलेस, सो प्लीज डू एट लीस्ट। जो लोग पैसे के कारण कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक के कारण, तो उनके लिए हमने ये बेसिकली चैनल बनाया है। और हम एसएससी लेवल की बेस्ट प्रिपरेशन या एसएससी बैंक या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वो हम आपके लिए सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्टीट्यूड प्रोवाइड कराएंगे। फाइन, अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप बताइए। हमारे पास में मेजॉरिटी में जो टॉपिक आ रहे हैं लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में, हम उन टॉपिक पे पहले फोकस कर रहे हैं। ओके, तो अभी सीआई एसआई कंप्लीट करने के बाद में हम मिक्सर्स एंड एलिगेशन करेंगे, उसके जस्ट बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और फिर हम डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद में अलजेब्रा मेंसुरेशन, ये सारे बड़े टॉपिक करेंगे। लेकिन एसएससी से पहले मैं आपको सारे के सारे मैथ के टॉपिक जरूर से जरूर कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आपकी कोई क्यूरी है तो आप फेसबुक चैनल है हमारा facebook.com/currentaffairsfundacaf पर भेज सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल। ये वीडियो बाइलिंगुअल की फॉर्मेट में हो गया, मतलब कि मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। सो दिस इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 हियर। सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द पार्ट 4 हियर। सो फ्रेंड्स, योर क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट, आई एम राइटिंग इट नाउ। इफ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फोर्थ ईयर, that is not for 4 year, that is for 4th year, at 20% per annum is rupees 7280. You need to calculate the principal amount here. What is the P, that is principal year. तो question ये कह रहा है कि अगर difference दिया है SI और CI का, एक कोई अमाउंट है उसके ऊपर चौथे साल में, ठीक है, मनी फॉर द फोर्थ ईयर एट 20% 20% की रेट से, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो इस क्वेश्चन को विदाउट एनी फॉर्मूला हम सॉल्व करने वाले हैं। वी विल नेवर यूज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो व्हाट द अप्रोच हियर, रेट इज गिवन, दैट इज 20% हियर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो डिकोड द क्वेश्चन इन हिंदी टू, सो डोंट वरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश बिकॉज एवरी कंपिटेटिव एग्जाम्स इंग्लिश इज मैंडेटरी। फाइन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दीज बेसिक कैलकुलेशन इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, देखिए, हर एक कंडीशन के एग्जाम में इंग्लिश बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि सर हिंदी में डालिए, हिंदी में वीडियो डालिए, तो मैं हिंदी में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना इंग्लिश में ही चाहिए, क्योंकि हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन बहुत मायने रखता है, इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब इन चीजों को सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। फाइन, सो रेट इज गिवन 20% हियर। एंड फ्रेंड्स, काइंडली अंडरलाइन वन थिंग हियर, इफ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फोर्थ ईयर, दैट मीन्स वी हैव टू मेक और ग्रिड फॉर फोर ईयर, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रिड। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स, हमने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया कि कैसे एसआई और सीआई के लिए ग्रिड बनाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। सो फॉर फर्स्ट ईयर देर विल बी ओनली वन लाइन, फॉर सेकेंड ईयर देर विल बी टू लाइन्स, एंड फॉर थर्ड ईयर देर विल बी थ्री लाइन्स, एंड फॉर फोर्थ ईयर देर विल बी फोर लाइन्स। ओके, सो वी विल पुट द वैल्यूज हियर व्हाट इट विल बी। सो इफ रेट इज गिवन ओनली 2%, ओनली 20%, फाइन, so here it will be 20%, second year it will be also 20%, next it will be 20%, and fourth year it will be 20%, because rate is same for every first year.
Fine. But right now, here, what will be 20 of 20%? That means कि आपको 20 का 20% निकालना है. तो 20% of 20, it will be 4. And friends, this will be in 1 ratio. So here we will write 2 ratio. Here we will write 3 ratio. Fine. If you are not aware from this thing, 1, 2 and 3, why I have written 1, 2 and 3 here. So kindly watch our part number 2 and 3 of SI and CI. We have detailed explained here. Fine. So if 1 ratio is 4, then 2 ratio it will be 8 and 3 ratio it will be 12. Fine. And what will be there? Here you need to find out the 20% of 4. So 20% of 4 it will be 0.8. Okay, and this will be in 1 ratio, and here we will write 3 ratio. If 1 ratio is given 0.8, then 3 ratio, that means 3 into 0.8, it will be 2.40. Fine. And friends, the 20% of 0.8, so what it will be? It will be 0.16. Fine. I hope you all are understand. Let me calculate once again. 0.8 into 20 divided by 100. Okay. So it will be 8 into, that means 16 divided by 100. So it will be 0.16. Fine. That's why I have written 0.16 here. Okay. But right now question is saying the difference between SI and CI on a certain sum of money for fourth year. That means we will pick our data from this line. Fine. So I have already told you the remaining part, that is just like your difference. Fine. But difference for fourth year, that means this is your fourth year, so we will include this 12, this 2.40 and this 0.16. okay, so if you will add all these values, then it will be 14.56 for fourth year. Clear? This value is given is equals to 7280. That means we can say 14.56%, that is 7280. So what will be 1% here? 1%, it will be 7280 divided by 14.56. So when you will solve such calculations, then you will get 1% equal to 500. But right now in our question, you need to calculate the P here, that means principal. Principal always, friends, 100%. If 1% is 500, that means 100% it will be 50 and again 20. It will be 50,000. That is your answer. तो 50,000 आपका answer आ गया. देखिए question थोड़ा सा tricky है, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि CI जो है difference जो दिया है वो चौथे साल का difference दिया है, ना कि चारों साल का मिलाकर. ठीक है, तो चौथे साल की टेबल में आओ और डिफरेंस यहां से पिक कर लो. देखो 20% रेट दी थी, तो मैंने आपको ग्रिड बनाना बताया कि अगर आपको कुछ प्रिंसिपल अमाउंट ना दिया हो तो आप डायरेक्ट इसी परसेंट को यहां पुट कर सकते हो. तो पहले 20%, फिर सेकंड ईयर 20%, थर्ड ईयर 20, फोर्थ ईयर 20. अब इस 20 का 20% कितना आया? 4 आया. अब देखिए 4 होता है एक रेशियो में, नेक्स्ट दो रेशियो होता है, अगली लाइन 3 रेशियो की होती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तब. ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया. अब इस 4 का 20% कितना हुआ? 0.8 हुआ. हुआ कि नहीं हुआ? अब इस 0.8 को 1 रेशियो लिखते हैं, नीचे 3 रेशियो लिखते हैं, तो 0.8 का 3 रेशियो क्या हुआ? 2.40 हो गया. 0.8 का फिर 20% निकाला तो 0.16 आया. अब चौथे साल का डिफरेंस क्या होगा? ये वाला पोर्शन केवल, ठीक है, जिसमें मैंने सर्किल बनाया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सबको जोड़ा कितना आया? 14.56%. ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर है? 7280 के बराबर है. तो एक की वैल्यू ने यूनिटरी मेथड लगा दिया, 7280 बटा 14.56, 1% कितना? 500 आ गया. 100% कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन बनाने हैं. ओके, एक क्वेश्चन हम और देते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है. नंबर टू हेयर, द सी आई फॉर टू ईयर
एट एनी प्रिंसिपल इज रुपीज 40.8 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40 rupees. फाइन प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई एम राइटिंग डायरेक्टली पी डिनोट्स एज अ प्रिंसिपल. फाइन पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को दिखाएगा और आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा. तो आपको आर निकालना है और पी कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में सीआई जो है 2 साल का किसी प्रिंसिपल पर 40.8 रुपए दिया है और सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का 40 रुपए दिया है. ठीक है, तो बात 2 साल की हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ईयर. दैट मीन्स वी नीड टू मेक आवर ग्रिड फॉर 2 ईयर्स, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. सो देयर विल बी फॉर फर्स्ट ईयर देयर विल बी 1 लाइन, फॉर सेकेंड ईयर देयर विल बी 2 लाइन. ओके, बट राइट नाउ 40 rupees ऐसा ही गिवन. दैट मीन्स फॉर फर्स्ट ईयर इट विल बी 20 एंड फॉर अगेन सेकेंड ईयर इट विल बी 20. दैट मीन्स ऐसा ही विल बी सेम फॉर द फर्स्ट ईयर. ऐसा ही तो हर साल सेम रहता है ना. आपका जो ऐसा ही पहले साल में गया भाई ऐसा ही दूसरे साल में जाएगा. सो द फर्स्ट कॉलम दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी पुट इट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऐसा ही. बट राइट नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज गिवन हियर 40.8. दैट मीन्स फ्रेंड्स ओवरऑल 3 वैल्यूज दीज आर द एरिया ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट मीन्स वी नीड टू पुट हियर व्हाट दिस विल इक्वल टू 40.8. 20 प्लस 20 इट विल बी 40. 40 प्लस 0.8 दैट मीन्स इट विल बी 40.8. ओके, सो राइट नाउ फ्रेंड्स this 0.8 generates from this value, but we don't know what is percent here. So let's suppose that x percent, so we can say that x percent of 20 that is equal to 0.8. so we know very well it will be 5 times. so x it will be 4%. so we can say that x, we have taken x as a rate of interest because that is in percent. So we can say our rate percent it will be 4%. Fine, if we have the rate percent then we can find out the principal here. Assume friends this 20, I am talking about this 20 principal, that was the p. Assume principal that was p. So the 4% of p that is equal to the first interest here 20. So 4% that means 4 divided by 100. So p it will be 500 because it will be 25 times 25 into 2 it will be 500. So friends our principal it will be 500 rupees. Fine, your concept should be very clear in such kind of problems because you can solve each and everything from the compound and simple interest without using any formula if your percentage concept is clear friends. Fine, so let me decode it in Hindi right now. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 साल हमारा टाइम tenure दिया हुआ है और हमें SI दिया हुआ है और CI दिया है. SI 40 दिया है और CI जो है 40.8 दिया है. तो देखिए जब 2 साल की बात है तो पहले साल में पहला कॉलम होगा, पहला बॉक्स होगा और सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स होंगे हमारे पास. ठीक है, तो अगर ऐसा ही आपको पुट करना है तो 20 पहले ईयर में हो गया, 20 दूसरे ईयर में हो गया. पहला कॉलम पूरा किसका होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कह सकते हैं हमारा 40 जो था वो 20-20 था, तभी तो इक्वल होगा. अगर 60 होता तो वो 30-30 होता, 50 है तो 25-25 होगा. ठीक है, अब देखिए सीआई क्या होता है. सीआई होता है इस वैल्यू को और ये वैल्यू, तीनों जोड़ लो तो आपका सीआई आ जाता है. तो सीआई आपका 40.8 दिया है, तो इन दो को जोड़ा तो 40 हुआ. अब यहां 0.8 आपको रखना पड़ेगा, तभी तो आपका 0.8 मिलाकर 40.8 होगा. ठीक है, अब देखिए इस 20 से ही ये वाली वैल्यू बनती है. इस 20 का कुछ परसेंट निकालते हैं तभी तो ये वैल्यू आती है. तो मैंने माना इस 20 का x परसेंट को हम लिखते हैं x/100. तो माना 20 का x परसेंट कितना आया, 0.8.
तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 4% आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4% हो गया। अब हमें रेट मिल गया है तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने माना कोई प्रिंसिपल अमाउंट p था, इसके ऊपर 4% की रेट से मैंने लगाया, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला पहले साल में, 20 रुपए मिला। यही तो 20 रख दो बराबर में, यहां से p की वैल्यू निकाल दो, 500 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी बहुत है, इनको आपको ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस कर लो एक एक क्वेश्चन की। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम नंबर 3। सो आवर प्रॉब्लम नंबर 3 इज दिस, द CI फॉर 2 ईयर एट एनी प्रिंसिपल इज ₹615 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर दैट इज गिवन टू यू 1200। देन फ्रेंड्स यू नीड टू फाइंड द रेट परसेंट हियर, वॉट विल बी द रेट परसेंट इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, यहां पर CI जो है वो 2 साल का दिया है आपको ₹615 और SI जो है वो 4 साल का दिया हुआ है ₹1200। फिर आपसे रेट परसेंट पूछी जा रही है यहां पर, तो आप रेट परसेंट आप निकाल सकते हो कैसे, सी राइट नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर दैट मीन्स 1, 2, 3 and 4 year. This will be first year, second year, third year and fourth year. So if that is 1200, that means it will be 300 for first year, again 300, again 300 and again 300. तभी तो ये 4 साल में 1200 हुआ होगा. For first year it will be 300, that means 300 into 4 it will be 1200 for 4 year, because the first column that is of simple interest. If you are not familiar with these kind of fundamental things, then you should watch our all the prima facie videos that we have already done. आपको हमारी पहले जो हमने videos upload की हैं, पहले part 1 और part 2 देखनी पड़ेंगी, तब ये concept समझ में आएगा. Okay? So friends, right now, CI for second year, that means if we are talking about the compound interest for second year, that means here we will go, for second year there will be two lines. We will never make such lines below this because we need to calculate only for the second year. Okay. So this is given 615 rupees. That means 300 for 300. And what we need to add here? It becomes 615. We need to add 15 rupees here. So friends, we can say like this one. Right now, see the boundary here. This value and this value, these all three values are equal to the compound interest 615. Okay, and first column that is the simple interest here. Fine, and you need to calculate the R percent here. So you know very well, this 15 comes from this value 300. So we can say take that is X percent. So X percent of 300, that means X divided by 100, it will be equal to 15. 20 will be cancel out and X will be 15 divided by 3. So we can say it will be 5%. So right now friends, our rate of interest that is 5% here. So our rate of interest is 5%. In this question we have not done anything. It is very simple. है. देखिए सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का 1200 दिया है, तो मतलब पहले साल में 300 होगा, दूसरे में 300, तीसरे में 300 और चौथे में भी 300, तो ये चारों साल का कितना हो गया, ₹1200। अब CI जो है वो 615 दिया है 2 साल का, मतलब कि पहले साल में ₹300, दूसरे साल में ₹300। अब यहां पर हम 15 ऐड कर दें तो ये तीनों वैल्यू कितनी हो जाती है, 615 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाली चीज को हमने यहां उठाकर लिख दिया, क्योंकि आपको लाइन ज्यादा लग रही है, कंफ्यूज ना हो। तो यहां से CI आ गया। अब देखिए ये 15 जो है वो 300 से कैसे डिराइव्ड हुआ है, कितना परसेंट है, तो हम ये कह सकते हैं X परसेंट है, ठीक है।
तो 15 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है, इंटू 100, ये भी कर सकते हैं, वरना हम कर सकते हैं 300 का x परसेंट बराबर 15, तो x कितना हो गया 15/3, ये हमारा 5% आ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए आप रेट भी यहां से निकाल सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं, यहां से मैं आपको टाइम भी निकाल के दिखाऊंगा, आप इसी फार्मूले से टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द सेम पैटर्न। सी द कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस यू नीड अलॉट, बिकॉज इफ यू आर वेरी गुड इन प्रैक्टिस देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग टू यू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एट एनी प्रिंसिपल इज रुपीज 848 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज रुपीज 800। सो यू नीड टू फाइंड आउट अगेन द रेट परसेंट। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, दैट्स वाई पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करूंगा आपके लिए, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करिए। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेकेंड ईयर का है 848 रुपए, ठीक है, ये दो साल का नहीं दिया है, सेकेंड ईयर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये 848 रुपए दिया है फॉर ऑफ सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड, फॉर टू ईयर नहीं है, ऑफ सेकेंड ईयर है। और एसआई जो दिया है वो सेकेंड ईयर का 800 रुपए दिया है। तो अब देखिए, सी राइट नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, काइंडली मार्क इंपॉर्टेंट हियर। सो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दैट मीन्स दैट फॉर वन ईयर एंड दैट फॉर सेकेंड ईयर, दैट इज गिवन ईयर 800। सो बाय डिफॉल्ट फॉर फर्स्ट ईयर इट विल डेफिनेटली बी 800, बिकॉज सेकेंड ईयर दैट इज गिवन 800। सो बाय डिफॉल्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इट विल ऑल्सो 800। ओके, एंड सी आई ऑफ सेकेंड ईयर इज गिवन 848, दैट मीन्स वी नीड टू मेक वन मोर बॉक्स ईयर। So if 800 is given here and that is 848, that means 48 will be there. Fine. And you need to calculate the value of rate percent here. So friends, this value definitely comes from this value. So we can say that is assume x percent here. So x percent of 800, that is 48. So 20 will be cancelled out. X it will be 48 divided by 8, it will be 6%. तो हमारा यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6% आ गया। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं मान रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्या यहां पर दिया हुआ है, CI जो है वो सेकेंड ईयर का दिया हुआ है और SI जो दिया है वो भी सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। तो जब SI 800 रुपए सेकेंड ईयर में दिया है तो माना कि पहले ईयर में 800 रहा होगा, ये तीसरे साल में भी 800 होगा, n ईयर तक 800 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें मतलब किससे, हमें तो दो सालों से मतलब है ना, क्योंकि यहां क्वेश्चन में हमें दो साल दिया हुआ है। अब देखिए CI जो दिया है वो 848 दिया है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर तो ये वाली लाइन हुई, तो अब ये 848 कब बनेगा, जब आप यहां पर 48 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 800 प्लस 48, 848 हुआ। अब ये 48 बनता कहां से है, ये तो इसी 800 से आता है ना, इसी का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, जैसा मैंने आपको पीछे सिखाया है। तो माना कि इस 800 का x परसेंट ये 48 के बराबर है, तो x परसेंट ऑफ 800 इक्वल टू 48, तो यहां से x की वैल्यू 6% आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आप रेट तो आराम से निकाल ही सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हाउ टू कैलकुलेट द टाइम हियर। सी द क्वेश्चन राइट नाउ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000
एट 7% पर एनम 4347. द टाइम इज, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सीआई है 30,000 के ऊपर 7% की रेट से 4,347 रुपए दिया है, तो आप टाइम बता दो कितना हो जाएगा जल्दी से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द 7% ऑफ 30,000. सो 20 विल बी कैंसिल आउट, 300 इंटू 7 इट विल बी 2100. फाइन, अज्यूम फ्रेंड्स दिस इज गिवन 4347. सो फॉर फर्स्ट ईयर इट विल बी 2100, फॉर सेकेंड ईयर इट विल बी 2100, एंड फॉर थर्ड ईयर इफ वी आर कंसीडरिंग थर्ड ईयर ऑल्सो, सो इट विल बी 2000 2000 2000, दैट मीन 6000 प्लस, एंड और सी आई दैट इज गिवन ओनली 4347, दैट मीन वी विल नेवर मूव फॉर थर्ड ईयर. फाइन, वाई? बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर. फाइन, सो वी विल टेक ओनली 2 ईयर. सो फॉर फर्स्ट ईयर देर इज 1 बॉक्स, फॉर सेकेंड ईयर देर आर 2 बॉक्सेस. ओके, सो वॉट वैल्यूज हियर? 21 प्लस 21 इट विल बी 4200. वॉट राइट नाउ दैट इज गिवन 4347, दैट मीन्स हियर वी विल राइट 147 रिमेनिंग पार्ट. सो अल्टीमेटली द सीआई, दिस इज सीआई योर एंड इट इज इक्वल्स टू 4347. दैट मीन्स वी हैव टेकन 1 ईयर एंड 2 ईयर. Orally, we can find out this question without using pen and paper. So, time, it will be 2 year. Fine. तो question बनाने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना logic use करना है, दिमाग use करना है, question आराम से बन जाएगा. Pen और paper का use कम से कम करो, ठीक है? तो देखो, CI 30,000 रुपए पर हमें 4,347 दिया है 7% की रेट से. तो माना मैंने पहले साल का निकाल लिया, कितना आया? 2100 रुपए आ गया. अब देखिए, पहले 2100 रख दिया, फिर 2100 रख दिया. अगर मैं फिर से यहाँ 2100 रख देता और इन सब वैल्यूज को मैं ऐड करता तो ये 6,000 से ऊपर पहुंच जाती, लेकिन हमारा सीआई तो 4,347 दिया है, तो इसलिए हमें 2 साल से ऊपर नहीं जाना है. अब देखते हैं कहीं 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल तो नहीं है, उसको चेक कैसे करेंगे. तो देखो, 2100 इधर हो गया, रिमेनिंग अमाउंट यहां रख दो, तो कितना हो गया? 4347. तो ये कितने साल का कंप्लीट हो रहा है? ये 2 साल में पूरा हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर आप 2100 का 7% निकालोगे तो 147 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. ये सेम पैटर्न है, ठीक है? See friends, that is question number next. What we have given the name, that is the, that was the number 5 here, and right now that is number 6 here. Fine. So question is asking, if CI and SI on a certain sum at certain rate is 82 and 80 rupees, then find rate percent per annum and principal amount. Question is really very simple. You can solve this question by yourself. Pause the video, solve this question by yourself. Okay. So friends, question में क्या कहा गया है कि CI और SI किसी भी एक certain principle पर दिए हुए हैं 82 और 80 rupees. ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं पता है रेट परसेंट क्या है और प्रिंसिपल क्या है. ओके, बट टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज फॉर 2 ईयर.
Fine, we have not mentioned the time here. So kindly note down, time is given 2 years here. Time जो है वो 2 साल दिया हुआ है. Okay. So friends, for the 2 year, we will make this grid in this type, first and 2 year. Okay. CI that is 82 and SI that is 80 rupees. Okay. So if simple interest is 80 rupees for 2 years, that means it will be 40 rupees for first year and 40 rupees for second year. That is so simple. And right now friends, compound interest is given 82 rupees for 2 year. That means this value and this value and this value. So what it will be? It will be 2, because 40 plus 40 plus 2, it will be 82 rupees. Because all the addition of 3 values, it will be equals to 82 rupees as a compound interest. Fine. So friends, this 2 will comes from this value as x percent. So assume x percent of 40, that is equals to 2. So we can say friends, x will be equal to 20 divided by 4, it means 5%. So we can say rate of interest, it will be 5%. जो रेट हो गई वो तो 5% हो गई. अब यहां से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दो. प्रिंसिपल इज सो सिंपल. हाउ? एज्यूम प्रिंसिपल दैट इज पी. सो फ्रेंड्स, दिस 40 इज अ इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल. सो द 5% ऑफ प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट 40 इन हियर. सो वी कैन से पी हियर, it will be 20 times and 20 into 40, it will be 800 rupees. So that is our answer. Fine. I hope these are the jumbled kind of questions, and do practice as much as you can. And friends, we will increase the level of difficulty in our upcoming videos. Fine. And also we will give you some more examples here. ओके तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना था, सीआई और एसआई आपको 82 और 80 दिया है. एसआई आपको 80 दिया है. एसआई हमेशा कम होगा अगर टाइम बराबर है. 2 साल दिया है टाइम, तो एसआई कम होगा और सीआई थोड़ा सा ज्यादा होगा. तभी हमने मान लिया कि 82, क्योंकि क्रमशः सीआई का पहले होगा, एसआई बाद में होगा. क्योंकि भाई एसआई तो कम होगा ना, सीआई थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है. तो अब देखो, 80 रुपए जब एसआई दिया है तो पहले साल का 40 हो गया, दूसरे साल का 40 हो गया, और जो ये पहला वाला कॉलम होता है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. और इन तीनों वैल्यू को जोड़कर लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जब ये 80 दिया है तो 40-40 हो गया होगा. अब देखिए, सीआई 82 दिया है, मतलब 40-40 और 2, ये हो गया 82. अब ये जो 2 है ये 40 से बनता है, तो 40 का कुछ x परसेंट 2 बनता है. तो मैंने मान लिया 40 का x परसेंट है 2 बनता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5% आ गई. तो 5% की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई यहां पर. अब प्रिंसिपल निकालना है. तो ये 40 कहां से आया, किसी ना किसी प्रिंसिपल से आया होगा. अब उस प्रिंसिपल का 5% कितना हुआ, 40 हुआ, क्योंकि रेट हमें मिल चुकी है. तो हमने माना प्रिंसिपल पी था, उसका 5% कितना आया, 100 इक्वल टू 40. तो यहां से पी कितना आ गया, 800 आ गया. मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 800 रुपए हो गया. क्वेश्चन लॉजिकल है, बस आपको पेन घुमाना है. फाइन. तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा करिए, उतने क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं. फाइन फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर कंटेंट्स, सो डू लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तब. ओके. एंड फ्रेंड्स, शेयर फॉर दोज पीपल हु कांट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियोस. So this is humble request from the whole team. We are making such kind of efforts only for those people who can't afford the coaching classes, and also those who are able to taking coaching from anywhere, but their concept are not clear. That's why I'm making these videos for them also. अगर आप लोग कहीं से coaching भी ले रहे हैं, आपके concept clear नहीं है, तो हम आपको ये question की collection इसलिए दे रहे हैं. लेकिन please आप लोगों तक पहुंचाइए इस current affairs fund को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम्स क्वालिफाई करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बने. ओके. तो मैं चाहता हूं कि जिसने जिसने ये वीडियो देखी है, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें, और अपने अनुभव जरूर हमारे साथ शेयर करें. सो राइट नाउ फ्रेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम करंट अफेयर्स फंडा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.